राजस्थान विश्वविद्यालय के डीबीएन छात्रावास में छात्र से मारपीट मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर छात्रों ने विरोध जाहिर किया। छात्रों ने बताया कि छात्रावास के ही एक छात्र के साथ कुछ युवकों ने मारपीट की और इसमें छात्र को गंभीर चोटें आई हैं और छात्र का अभी भी अस्पताल में इलाज जारी है। मामले में पुलिस ने एक युवक को भी हिरासत में ले लिया है, जबकि मारपीट में करीब आधा दर्जन बाहरी युवक शामिल थे। मामले में कार्रवाई करने और बाहरी छात्रों पर रोक लगाने की मांग को लेकर विश्वविद्यालय के छात्र एकजुट हुए और पुलिस प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। तारीख को शाम को मैस में एक छोटी सी मीटिंग चल रही थी जिसमें वार्डन असिस्टेंट वार्डन सब मौजूद थे। उनकी मौजूदगी के अंदर छोटी मोटी बात होती है खाने के ऊपर, उसके विरुद्ध में एक बंदा है जो गेस्ट पे रहता है वहाँ पे और उसके कुछ साथी सब मिलके एक रिसर्च स्कॉलर है जो सबसे सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। ठीक है, वो कम से कम 6 से 7 दिन तक उन हॉस्पिटल में एडमिट रहे, ट्रॉमा सेंटर में, उनके हड्डी फ्रैक्चर हुई है। तो इसी के विरुद्ध में आज हम सब इकट्ठे होके और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें कि हम वीसी सर को एक ज्ञापन देंगे, एक कमिश्नर और पुलिस को ज्ञापन दिया जाएगा जिसमें हम उनसे अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द कोई सख्त कार्रवाई की जाए और जो आरोपी है उनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए, ये हम कमिश्नर और पुलिस से बोलेंगे। की बात यह है कि वहाँ पर हमलावर आए थे, वो कम से कम 12 से 15 की संख्या में थे, उनमें से अभी तक एक ही बंदा गिरफ्तार हुआ है जो उस टाइम पे चला गया था। प्रशासन ने भी उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है और पुलिस प्रशासन ने भी वहाँ तक कोई कार्रवाई नहीं करी है, जबकि हॉस्टल में जहाँ पे वो लोग हमलावर आए थे उनको वहाँ पे हॉस्टल के अंदर ही किसी ने उनको लाठियां और हॉकी प्रोवाइड करी है। तो इस चीज़ की भी जाँच होनी चाहिए कि वहाँ पे उनकी जो साजिश करता है, हमलावर तो थे ही, हमलावरों के पीछे कुछ साजिश करता लोग हैं, उनकी भी जाँच होनी चाहिए और उनको जो हथियार वगैरह प्रोवाइड करवाए। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।